हे प्रभु, तेरी भक्ति में, तेरे भजन में, तेरी पूजा में, तेरी आराधना में, तेरी उपासना में हम ऐसे उपासक बन गए कि हम भी तेरे जैसे बन गए। ध्यान से सुनना, अगर आप भगवान कृष्ण के उपासक हो तो एक भगवान का गुण आपके अंदर जरूर आएगा। अगर भगवान कृष्ण के उपासक हो तो आपके अंदर भगवान कृष्ण का गुण जरूर आएगा, मतलब आएगा। क्योंकि जो हमारा इष्ट होता है ना, उसका अंतरंग भक्त के अंदर दिखाई पड़ेगा। अगर आप देवी के उपासक हो तो आपके अंदर वीरता का गुण जरूर आएगा। क्योंकि जिस इष्ट की हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, पाठ करते हैं, उसका एक संक्षिप्त अंश भक्त के अंदर आ ही जाता है। और जब उसका अंश आता है ना भक्त में, तो फिर भक्त क्या कहता है, ए माया नांदी लोग जोनों को, मैं देवी का भक्त है, ए माया नांदी लोग जोनों को, मैं महादेवा का भक्त है, ए माया नांदी लोग जोनों को, मेरे नाम में मत पढ़ना, मैं मेरे शंकर का उपासक हूँ। बोले मुझे कुछ मत कहना, मैं मेरे योगेश्वर का उपासक हूँ। मतलब अपने भगवान का जो एक गर्व है वो भक्त को होता है। तो भक्त अपने भगवान के नाम से दुश्मनों को डराता है, कहता एक डमरू बजाएगा मेरा डमरू वाला तो सीधा हो जाएगा, त्रिशूल घुमाएगा तो भागता फिरेगा, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना। जब भगवान के हम हो जाते हैं और भगवान को अपना बना लेते हैं तो भगवान हमें उनकी छाप दे देते हैं। और जब भगवान की छाप भक्त के जीवन में आ जाती है तो फिर भक्त कहता है अब तू मेरा और मैं तेरा। फिर राम जी हमारे हैं और हम राम जी के। भगवान ध्यान लगाते हैं 24 घंटे। वेद व्यास जी ने कहा प्रभु आपके ही जैसा पुत्र चाहिए, आपके जैसी छाप चाहिए मुझे, मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भगवान ने कहा तथास्तु, मेरे ही जैसा पुत्र निर्विकारी तेरे यहाँ होगा। अब आशीर्वाद तो मिल गया, लेकिन ऐसे ही थोड़ी पुत्र आ जाएगा। उस आशीर्वाद को सफल करने के लिए तपना पड़ेगा, तभी तो पथ मिलेगा। तो वेद व्यास जी कैलाश की गुफाओं में ध्यान करने बैठ जाते, ध्यान लगाते हैं। और भगवान शंकर ने सोचा कि वरदान तो दे दिया कि इसके घर पुत्र बन करके जाऊंगा, तो देवी पार्वती क्या करें? तो देवी ने कहा लीला कीजिए भगवान, अब लीला का समय आ गया। तो देवी पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु चलिए, बहुत दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए, यही कैलाश पर बैठे बैठे समय पास हो रहा है, तो चलिए भगवान कहीं भक्ति का प्रवाह, भक्ति फेरी पर चलते हैं। तो माता पार्वती ने जब भगवान शंकर से कहा कि भक्ति फेरी पर चलते हैं, तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे मेरे कहने के पहले ही आपने कह दिया, तो चलो देवी कहाँ जाना चाहोगी? तो देवी ने कहा चलो चलो चले दूर कहीं, भक्ति के लिए जगह ठीक नहीं। बोले बाबा ये जगह भजन के लिए ठीक नहीं, हमको कहीं और चलना है, जहाँ केवल आप और मैं भजन करें और तीसरा कोई ना हो। आज पार्वती मैया बहुत होशियार है। माता चाहती है कि भगवान शंकर कुछ कहे और अकेली मैं सुनूं। आज ना तो नंदी हो, ना शंकी हो, ना कोई भूत हो, ना कोई पिशाच हो, ना कोई शंकिनी हो, ना कोई डाकिनी हो, कोई नहीं, केवल मेरा भोला हो और मैं बस। क्योंकि कैलाश पर्वत पर जब भी भगवान शंकर कुछ सुनाते तो नंदी आ जाता है, श्रृंगी आ जाता है, शंकिनिया डाकिनिया पिशाच भूत सब डेरा लगा करके बैठ जाते हैं। और फिर पार्वती माता को जो है सुनाई नहीं आता ना, क्योंकि शोर इतना करते पिशाच के चुप बैठते हैं। कोई है करके हंस रहा है, कोई हू करके चिल्ला रहा है, कोई हू करके रो रहा है। अब कोई रो रहा है, अब जो रो रहा है तो रो रहा है, उसको चुप भी कराए तो चुप ना हो, क्योंकि भगवान शंकर के पास में सभी के लिए खाता खुला है।
एक भगवान शंकर का ही दरबार ऐसा है जहाँ संसार के सारे सताए हुए लोग विश्राम पाते हैं, सारे दुनिया के सताए हुए लोग भगवान के कैलाश पर्वत पर आनंदी आनंद की प्राप्ति करते हैं। वो रो रहा है तो रो ही रहा है, खा रहा है तो खा ही रहा है, सो रहा है तो सो ही रहा है, ऐसे सारे पिशाच सब भगवान के अनुग्रह पर पलते हैं। तो देवी पार्वती को कुछ सुनने में नहीं आता, इतना शोर हो जाता है। तो देवी पार्वती ने कहा, मैं जन्म मृत्यु के भव बंधन से मुक्त होना चाहती हूँ महादेव, तो आज आप मुझे मुक्ति के राह पर ले चलिए, कुछ ऐसा सुनाइए जिससे मैं जन्म जन्मांतर के लिए अमर हो जाऊं। तो आज नंदी पर सवार होकर के भोले बाबा देवी पार्वती को लेकर के त्रिकूट पर्वत पर आए। अब त्रिकूट पर्वत पर जब आए भोलेनाथ, तो वहां भी इतना शोर इतना शोर। तो देवी ने कहा, चलो चलो कहीं दूर चले, भजन के लिए ये जगह ठीक नहीं, चलो प्रभु यहाँ से आगे चले। फिर दोनों आगे चले, तो चलते चलते गले के नाग जोर जोर से हंसने लगे। अब गले के नाग जब जोर जोर से हंसने लगे, तो देवी पार्वती ने कहा, देखिए प्रभु, ये नाग देवता आपके गले के कितना कितना विनोद कर रहे हैं हमारा, ये हमारी वार्ता सुनकर के हंस रहे हैं। तो भगवान शंकर जोर जोर से हंसने लगे, कहने लगे, देवी क्या बात करती है, अरे ये उनके उनके हंस रहे होंगे, अपनी बातों पे क्यों हंसेंगे, कैसी बातें कर रही हो देवी महादेवी, चलो आगे। नहीं नहीं आगे नहीं चलूंगी मैं, पहले आप इन विघ्नकर्ताओं को गले में से निकाल कर फेंक दो। भगवान शंकर घबराए, कहने लगे, देवी पार्वती मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप गले के नाग मत उतरवाओ मेरे, ये मेरा गहना है, मत उतरवाओ, मैं अच्छा नहीं दिखूंगा, ये मेरे गले के हार हैं, रहने तो पड़े हैं गले में, नहीं ये पड़े नहीं हैं, ये हमारी बात को सुन करके हंस रहे हैं और बार बार मुझे देख करके विनोद कर रहे हैं, मुझे नहीं चलेगा ऐसा। पति पत्नी जब आपस में वार्तालाप कर रहे हो तो तीसरा मूर्ख वहाँ क्या कर रहा है, हटाओ इसको, और ये नहीं हटेगा तो बोले मैं आगे नहीं जाऊंगा। भगवान घबरा, कहने लगे, सब इनके लिए तो किया जा रहा है, अगर ये कथा नहीं सुनेगी तो फिर ये अमर नहीं होगी, और ये अमर नहीं होगी तो फिर सुखदेव जी महाराज कैसे आएंगे। सुखदेव जी महाराज को लाने की तैयारी चल रही है, अब लीला नहीं करेंगे लीलाधारी तो फिर सुखदेव जी आएंगे कैसे। तो फिर आज देवी पार्वती के कहने से भगवान ने गले के नाग उतारे और उतार करके पर्वत पर रख दिया। तो नाग कहने लगे, अरे 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 हे प्रभु, ऐसा जुलूम ना करो, हम चुप रहेंगे, हम मुंह भी नहीं खोलेंगे, हम आवाज नहीं निकालेंगे, आप हमें मत निकालो, गले से बाहर मत फेंको प्रभु, हे विश्वनाथ, हे महाकाल, हमें शरण में पड़ा रहने दो, हमें अपने से जुदा ना करो। तो भगवान ने कहा, पत्नी आज्ञा पतिश्च परम मंगलम, क्या कहा भगवान ने, भोले बाबा ने, पत्नी आज्ञा पतिश्च परम मंगलम, बोले पत्नी की आज्ञा जो पति मानता है उसका जीवन में कभी अमंगल नहीं होता है, इसलिए बात तो मानना पड़ेगी, तुम यहीं बैठो आप। जो पति पत्नी की बात मानता है उसका कभी अमंगल नहीं होता है, उसका हमेशा जय जयकार होता है। तो बोले पत्नी की बात तो मानना पड़ेगी, जीवन संगिनी है मेरी, तो अब तुम यहीं बैठो। अब नाग देवता रोने लगे, तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, रो मत, जब तक मैं लौट कर नहीं आता तब तक तुमने मेरे नाम का भजन करो। तो वहां नाग देवताओं ने इतना भजन किया कि उस भजन को करते करते शरीर तपने लगा, शरीर से पसीने की धाराएं निकलने लगी, और नाग देवताओं के शरीर से निकलने वाले जल से वहां एक झील का निर्माण हो गया, जिसका नाम शेष नाग झील ऐसा पड़ गया। फिर भगवान विश्वनाथ देवी पार्वती को लेकर के आगे बढ़े तो एक सुंदर सुंदर गुफा दिखाई पड़ी, पूरे बर्फ से ढकी हुई, और वहां विश्वनाथ ने अपना आसन जमाया, दो आसन लगाए भगवान ने, एक देवी पार्वती का एक अपना।
देवी पार्वती भी आज आसन पर बैठी है, महादेव भी बैठे, डमरू बजाया, त्रिशूल को कहा कि हे त्रिशूल, मैं तुम्हारी माता को एक सुंदर व्याख्यान सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद देवी पार्वती अमर हो जाएगी। और देवी पार्वती को अमर बनाने के लिए ही मैं यहाँ लेकर के आया हूँ। और अमर कथा सुनने के बाद इस गुफा का नाम अमरनाथ गुफा ऐसा होगा, क्योंकि इस गुफा में बैठ करके भगवान शंकर आज कथा सुना रहे हैं देवी पार्वती को, और देवी पार्वती को नियम बता रहे हैं कि तुमको कथा कैसी सुननी है। एक ही आसन पर बैठकर सुननी है, कथा सुनते सुनते सोना नहीं है, मुझे मालूम रहना चाहिए, मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि तुम कथा सुन रही हो, इसीलिए तुम्हें सतत कथा में हुंकारे देना होगा, क्योंकि मैं तो जब कथा सुनाऊंगा तो मेरी आंखें बंद होंगी, मैं आंख बंद करके तुम्हें मेरे प्रभु का, मेरे इष्ट का ज्ञान कराऊंगा, तो देवी मुझे ज्ञान कैसे होगा कि तुम कथा सुन रही हो। तो कथा में बीच बीच में हुंकारा देती रहना, ताकि मुझे पता लगे कि तुम ध्यान से कथा को सुन रही हो। अगर तुमने कथा भंग की तो देवी तुम्हें अग्नि में जलना होगा, पश्चाताप की अग्नि में जलना होगा, बार बार इस मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा। तो अगर तुम चाहती हो कि अमरता का वरदान तुम्हें मिले, तो तुम कथा पवित्रता से सुनना, अच्छे से सुनना, श्रद्धा से सुनना, विश्वास से सुनना। तो माँ पार्वती ने कहा, हाँ प्रभु, पति आज्ञा पत्निष्ठ परम मंगल, पति की आज्ञा का मैं पालन अवश्य करूंगी। और भगवान ने प्रभु श्री राम का ध्यान किया और कथा सुनाना प्रारंभ किया। तो भगवान महादेव कथा सुना रहे हैं देवी पार्वती को, और देवी पार्वती हाथ जोड़ करके सुंदर कथा को श्रवण कर रही हैं। आप सब भी हाथ जोड़ें और महादेव से प्रार्थना करें कि हे शिव शंकर, हमें भी अमरता का वरदान मिले, हमारे जीवन का भी ताप संताप मिटे, और हमें भी जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। कैलाश के निवासी नमन बार बार हूँ,